फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। यहाँ पे आपको पता है कि कल हमने डिस्कस किया था द सेल, यानी कि कोशिका वाली चैप्टर जो होता है आपका, किसी भी कोई भी एग्जाम जिसमें आपका सामान्य विज्ञान आना है उसमें आता है। बात करते हैं यूपी टेट की, बात करते हैं सुपर टेट की या फिर सी टेट की, तो इनके भी सिलेबस में ये साइंस में है, क्योंकि 8th क्लास की बुक में ही जनरली सेल वाला चैप्टर जो आपका दिया रहता है। तो कल हमने 25 क्वेश्चन के देखे थे और आज जो है उसके बाकी के आगे के क्वेश्चन जो है 25 वो हम देखेंगे। और सारे ही क्वेश्चन, अगर सेल से कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, निश्चित रूप से इन्हीं 50 क्वेश्चन में से फंसेगा, अन्य फंसने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें इसी में से फंसने की संभावना पूरी तरह से है, 99.9% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का हमारा बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ओके, नोटिफिकेशन अगर नहीं गए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लिए, 3 बजे डेली होती है दोपहर को हमारी क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे। यस, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून, स्टार्ट करेंगे। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक, गॉल्जीकाय, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःप्रद्रव्य जालक? तो यहाँ पे जो इसके लिए करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, लवक हो जाता है। लाइजोसोम्स कार्य करते हैं किस चीज़ का? तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था, लाइजोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में या वसा संश्लेषण में? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतःकोशिकीय पाचन में। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है क्या? पारगम्य, अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या फिर अपारगम्य? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पारगम्य। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्या? कल के सेशन में हालांकि हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे, आज बस उससे भी थोड़ा और डीप क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके बीओ के एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं, यूपी टेट में इतना लेवल मुझे नहीं लग रहा है हाई आ सकता है। कल वाला जो सेशन था उससे क्वेश्चन आपके यूपी टेट में फंस सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या करेक्ट आंसर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिस्ट्री इसका सही आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? यीस्ट, कवक, जीवाणु या हरे शैवाल में? सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे ने या हैचिनसन ने? तो बिल्कुल इसके लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हेनरी, लैमार्क, हक्सले या ट्रेवरेनस? फटाफट से देख लीजिए ऑप्शंस। सो यस, इसके लिए करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हक्सले का यह कथन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए को, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यस, ओके ओके, जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वाटसन तथा क्रिक ने। और न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हालांकि आप देख रहे हैं कि पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में, तो बिल्कुल आपके ये बीईओ के लेवल का क्वेश्चन है। सही उत्तर होता है जो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा, यानी कि जो फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं सेल की वो कौन नियंत्रित करता है? केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा या केंद्रक द्वारा? तो बिल्कुल इसके लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया किसने, ये शब्द किसने दिया है? तो सही उत्तर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, वाल्डेयर ने। अंतःप्रद्रव्य जालक यानी ईआर जिसे हम कहते हैं, इसकी खोज किसने की है? सुटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने या फिर रॉबर्ट्स ने? तो इसकी खोज जिसने की है उनका नाम है पोर्टर, सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की?
सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर है नॉल तथा रस्का ने। ये जितने भी खोज करने वाले क्वेश्चन है ये आपके कहीं ना कहीं जीके के अंतर्गत भी आते हैं, इसलिए आपको इन्हें याद करते चलना है। अगर अभी आपके यूज़ का नहीं भी रहा, मान लेते हैं कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पे जीके नहीं है, लेकिन फिर कोई भी एग्ज़ाम आप ऐसा देंगे जिसमें जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट हो चाहे वो अन्य कोई एग्ज़ाम हो, तो उसमें जीके कंपलसरी एक सब्जेक्ट रहता है, तो वहाँ पे आपके बिल्कुल काम आने वाला है। वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है, आई मीन किसमें अनुपस्थित होता है, तो बिल्कुल इसके लिए जो सही उत्तर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जीवाणुओं में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं किस चीज़ में, सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र किस चीज़ में पाए जाते हैं, गन्ना में, आलू में, मनुष्य में या ऑफियोग्लोसम में, फटाफट से बताइए। सो यस, इसका जो करेक्ट आंसर है अगर आपने गेस किया ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही हो जाता है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न पर बिना समय नष्ट किए। ओके, जितने भी लोग अच्छा जुड़े हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, यस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप ये वीडियो लाइव नहीं देख रहे हैं 3 बजे यानी कि सॉरी नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप बाद में इसे कभी भी क्लास को देख सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करिए कि लाइव जुड़िए जिससे आप लाइव चैट में रिप्लाई कर पाएँ। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, ये किससे बना होता है, फटाफट से बताइए। जीव द्रव्य किससे बना होता है, तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, फटाफट से बताइए। माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका 43 के लिए ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है वो बताना है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है, जो गलत कथन है वो ये है आपकी, कि सभी बॉडी टिश्यूज जो होते हैं उनमें एक ही प्रकार की सेल्स नहीं होती हैं, ये गलत है। यहाँ पे बोला है कि सब में एक प्रकार की होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम। चलिए देख लेते हैं क्या सही हो जाता है आपका यहाँ पे इसका उत्तर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है, कैल्शियम। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति ये जो सेल वॉल होती है उसका एक संरचनात्मक घटक कैल्शियम है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, गॉल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतर्द्रवी जालिका में। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे से इतने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी कुछ क्लासेस जो हैं वो दूसरे चैनल पे चल रही हैं। ठीक है, जैसे आपकी SST की क्लास है जो BEO के लिए भी है एंड एज वेल एज सुपर टेट और UBTET के लिए भी है, कॉमन क्लासेस है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई रखा गया है, तो ये तीनों के लिए यूज़फुल है। वो चल रही है आपकी लाइव दूसरे चैनल पे, हिंदी की क्लास हमारी लाइव चल रही है 5 बजे एग्जाम डोज पे। लिंक दी है, कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जाके आप वहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए लाइव सेशन का।
चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोजोम बनता है? केंद्रक, अंतर्दवी, जालिका, गॉल्जी काय, राइबोसोम। सो यस, इसके लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, गॉल्जी काय। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? देखिए, कोशिका कितनी प्रकार की होती है, बेसिकली आपकी एक यूकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है ना? तो इनमें से क्या पूछ रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। एक इमारत में ईंट जीवों के ब्लैंक के समान है। कोई भी इमारत होती है, उसकी जो ईंटें होती हैं वो जीव में किसके समान है? मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। कुल मिलाकर जैसे ईंट ईंट से मिलके कोई इमारत बनती है, वैसे जीव किस चीज से मिलके बनते हैं? तो ऑब्वियसली हमारा वही टॉपिक ही है, सेल। एक लाइफ की जो यूनिट है, इकाई है, जो जीवन की इकाई है, वो क्या है? कोशिका है। कोशिका से मिलके ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलके फिर अंग बनते हैं, है ना? अंग से मिलके पूरा आपका जो ऑर्गन सिस्टम होता है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बॉडी पूरी बनती है। तो ये एक सिस्टम जो है चलता है। कोशिका जो है, सेल जो होती है, वो एक इकाई होती है। सो ये आज के क्वेश्चन थे, हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। और ये अगर आपने इतने क्वेश्चंस रट लिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे कुछ अलग आ सकता है। अब कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके सिलेबस से ही होगा, और कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाय बाय।